हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन एब्रीविएशन है, मतलब आपसे एडीयू का एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड वहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है क्लोज ऑप्शन देके। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीआई, दैट इज एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन। अगर यहाँ पे एबीआई से मिले, दैट इज एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो एग्रीकल्चर जितने भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। देन एबीएनजे, दैट इज एग्री सॉरी एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ये आपसे नहीं पूछेगा, यू कैन स्किप। देन ए सी ए बी सी, दैट इज एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। सो ए सी सी क्या बना, एग्री क्लिनिक। देन पूछ सकता है अकेर, दैट इज एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो आपके एक हम बोलते हैं थोड़े से कॉमन होते हैं या फिर यूनिक से होते हैं, दैट इज पूछ सकता है अकेर क्या होता है, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। देन ए डी एस एस, ऑटोनोमस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये नहीं पूछेगा। देन एएचआरडी क्या होता है, एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर वर्ड ऐड किया गया है। एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यहाँ पे कुछ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए है, वो आप देख लेना, जैसे AICWIP पूछ रहा तो वीट इंप्रूवमेंट के लिए, AICRP पूछ रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट आपका, अगर ए यहाँ पे ऐड है तो एग्रोनॉमिक, एम ऐड है तो मिलेट, पी है तो पिलेट, आपके पल्स के कॉन्टेक्स्ट में, आर फॉर राइस, एंड AICRP रिसर्च, अगर लास्ट में ओ है तो ऑयल सीड, अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वेजिटेबल्स के लिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है AITEE, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, एंड स्किप। AINP, दैट इज ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट। AMR, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देन अनास्तु जो है, अफगान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अपारी, दैट इज एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। एपीसी की फुल फॉर्म है एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स, APCAEM, दैट इज एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड मशीनरी। APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, आई थिंक सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। APMR, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशंस, रेगुलेशंस में APMR एंड APMC, दैट इज मार्केट कमेटी, यहाँ पे मार्केटिंग को रेगुलेट करना है। देन ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, सभी लोग जानते हैं। आर ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर, की यूथ को हम अट्रैक्ट करें इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट बोर्ड। ATIC, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। देन आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। AVRDC, दैट इज एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। AWS की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। बार्क जो है, बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, नॉट सो इंपॉर्टेंट। BBF, ब्रॉडबैंड एंड फरवर्ड। BBRC, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कम्युनिकेशन, बायस एंड बायोटेक्नोलॉजी। BGF, ब्लू ग्रीन एल्गी। BI, दैट इज बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल। BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। बिम्स्टेक में आपके कितने कंट्री है, अगर आपसे ये पूछ सकता है, बट यहाँ पे जीएस वगैरह तो आने रही। BIRAC की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपकी रेजिस्टेंस रिसर्च असिस्टेंट के लिए। देन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIJA, दैट इज बोरलैग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। BMC की बात करें, वुड स्टॉक आपका मिंट, नॉट इंपोर्टेंट। BMFG, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी नहीं पूछेगा। BPD, बिजनेस प्लानिंग डेवलपमेंट, नहीं पूछेगा। BRD, बाइकैश रिडक्शन सर्विसेज, नहीं। ब्रिक्स पूछ सकता है, वैसे ब्रिक्स का यार आपके एग्जाम में कोई काम नहीं। BSSC, दैट इज एग्रीकल्चर एकेडमी, नहीं। BSM में नहीं, नॉट इंपोर्टेंट। यहाँ पे जो जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट इज चाइना एकेडमी। CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सेफरी, दैट इज सेंट्रल एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे ये बता सकते हो। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, नो। एराइड जोन इंस्टीट्यूट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CBP, ये पूछ सकता है। एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये पूछ सकता है। देन सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CCRI। CCIS की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, CCIS। उसके बाद CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। CGIAR, दैट इज कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। कस्टम हायरिंग सेंटर, नहीं पूछेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, CIAE, ये भी इंपॉर्टेंट है। CIAS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एराइड हॉर्टिकल्चर। AT, दैट इज ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सॉरी। देन CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
सिबा दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन ब्रेक वाटर आपका एक्वा कल्चर, सिबा आई थिंक ओडिशा के कंटेक्स्ट में है या फिर चेन्नई वगैरह, सिफा आपका आई थिंक भुवनेश्वर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रेश वाटर का भुवनेश्वर में रहेगा एंड सिबा कहां पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन दैट इज सीआईएफई, सिफरी की बात करें सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको याद रखनी है सीआईएफटी, एंड आपकी जो इनलैंड फिशरी है ये 65% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करती है आउट ऑफ 100% जो आपका फिशरी का प्रोडक्शन उसमें। देन सीआईएफटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी सीआईएमएमवाईटी दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ये कहां पे लोकेटेड है इसकी लोकेशन आप बता सकते हैं। सीआईपी इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च, सीरेड दैट इज सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये नया आपका है तो याद रखना। देन किरकोट या फिर सिरकोट आप बोल सकते हैं दैट इज सेंटर इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च फॉर द कॉटन टेक्नोलॉजी। सीआईएसएच की बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहां पे है आप बताओगे। सीएमएफआरआई दैट इज सेंट्रल मैराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिशरी का जो मैराइन फिशरी है उसका। सीपीसीआरआई सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपीई दैट इज क्यूमुलेटिव पैन ई ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रीडा हैदराबाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलेटरी आपकी इंटरस्टेट सोर्स सॉरी सॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। CRM क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉपसैप दैट इज क्रॉप पेस्ट सर्विलेंस एंड एडवाइजरी प्रोजेक्ट। CSCA सेंट्रल स्टाफ कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIRO दैट इज कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। CSISA सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव ऑफ साउथ एशिया, ये पूछ सकते हो इंडिया आपका साउथ एशिया में, इतना भी आपको याद रखना। CSMCRI सेंट्रल सोल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद CSS क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट करता है सेंटर 100% स्पॉन्सर्ड में, डिपेंड करता है सेंट्रल स्टेट मिलकर करते। CSSRI आपका सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है करनाल में, कब बना था 1969 में। CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये कब बने थे आप बता सकते हो। DACP डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है DACP के फुल फॉर्म। देन DAFW डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये कब बना था आप कमेंट सेक्शन में बताओगे चेक करके। DARE दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये 1973 में बना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। DARS दैट इज डेजर्ट एफोरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन। DBT की बात करिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DCFR डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च, डिप्टी डायरेक्टर जनरल DDGC नहीं पूछेगा डोनाल्ड बोना सॉरी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट नॉट सो इम्पोर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एग्रीकल्चर, दिशा पूछ सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेम है। देन DOR डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, फिलहाल इसका नाम क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। देन DPPQS दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्यूरेंटाइन एंड स्टोरेज, ये आपका फरीदाबाद में है 1946 में बना था, लोकस्ट का भी हरियाणा में है। DSR दैट इज डायरेक्ट सीडेड राइस, कितने दिन बात करते हैं आप बता सकते हो। DWR की बात करें डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च। ENAM दैट इज इंटरनेशनल सॉरी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हरियाणा में 2021 तक कितनी थी 81, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है आप बता सकते हो। देन EAFM इकोसिस्टम अप्रोच टू फिशरी मैनेजमेंट, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पूछेगा सॉरी वैसे पूछ सकता है इसी कितनी है। EEZ दैट इज इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव, सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है एक आपका SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। EIA की बात करें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन EIAR इथियोपियन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ELKS दैट इज इनहांस लाइवलीहुड थ्रू लाइव स्टॉक नॉलेज सिस्टम। EPNS एंटो पैथोजेनिक नेमाटोड्स। ETP की बात करें एफिलियन ट्रीटमेंट पॉइंट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फॉल आर्मी वो FAW, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लोग जानते हैं, FFS दैट इज फार्मर फील्ड स्कूल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग याद रखना। FISS फिश क्या है फ्लोरोसेंस इन सिट्यू हाइब्रिडाइजेशन। FLRP की बात करें फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FPC की बात करें फार्मर प्रोड्यूस कमेटी, FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FSI फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। GAP की बात करें गैप दैट इज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। GBPUAT इसकी यूनिवर्सिटी उसका नाम है। GCF जो है ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन,
इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो आपकी जीएम क्रॉप को अलाउ करती है। देन जीनोमिक एस्टिमेट ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, जीईबीवी, जीआर दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीटीवी क्या है, गॉट टिश्यू वायरस, जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, एचसीआईओ हर्बेरियम क्रिप्टोगैम इंडिया ओरिएंटल। देन एचपीआर होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, एचपीवी हेप्टोप्रेटिक पायरोवायरस, देन क्रिएटिक जो भी है, देन एचएसआई हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, एचवाईपीपी आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, कब शुरू हुआ था 1966 के आसपास। देन आईएएन इंडियन एग्रीकल्चर नेटवर्क, आईएपी क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, तो एन फॉर नेटवर्क पी फॉर प्रोग्राम, आईआरआई सभी लोगों को पता है। इब्सा क्या है, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, आईसीआर आप सभी लोग जानते हैं। इकराडा दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, इकराडा कहां पे है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ICFRE दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, तो FRI कहां पे हमारा देहरादून में। ICGB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कहां पे है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ICIMOD दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ICMR मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर दैट इज ICRF, ICRISET हैदराबाद में है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर फॉर सेमी ट्रॉपिक सेमेरे टॉपिक्स, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉम्पोजिटिव, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट वो हम देख लेंगे। एक तो IFDC दैट इज इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये आपको याद रखना है। देन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सभी लोग जानते हैं। एंड उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट IIFSR, नेचुरल रेजिडेंस एंड गम के लिए IINNRG, IISR दैट इज इंटरनेशनल सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च, ये आपका कहां पे है, उत्तर प्रदेश या फिर और कहीं पे। HSS की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ISSS, ये मैंने देखा तो ISSS। INWM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वाटर मैनेजमेंट, एंड आपका जो इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, IMD मेट्रोलॉजिकल, देन आप याद रखेंगे INFAR, इंडियन नेटवर्क ऑफ फिशरी एंड एनिमल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, INRI दैट इज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए IFOS, IUFS इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम, IPM सभी लोगों को पता है, IR सभी लोगों को पता है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRDP क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था ये आप बता सकते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस ISHS, इसरो सभी लोगों को पता है। ITCC दैट इज इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन, IVLP क्या था, एक्सटेंशन में इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, देन IVRI दैट इज इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अब थोड़ा सा जो आपका इंपॉर्टेंट वही हम देखेंगे। IWM इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, IW क्या है, इरीगेशन वाटर, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, JTLRE जू टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर बात करें JIRSEC, JIRCAS जो है जापान इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रीकल्चर साइंस, LGP लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, LTE लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट याद रखना है। यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का एक्ट था, 2006 में स्टार्ट किया गया था। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर दैट इज 2014 में इसको शुरू किया गया था, वैसे 2005-06 में आपका जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना था गुरुग्राम, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MoFPI, देन एक आपका वर्ड है MRL दैट इज मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, एक अपेडा होता है उसी की तरह MAPEDA दैट इज मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, देन MSNP दैट इज माइक्रो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड पोल्यूटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। MSP मिनिमम स्पॉट प्राइस, MSRS मल्टी स्टोरेज मल्टी स्टेज सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नाम आपका आ सकता है NAS दैट इज नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंस, दोनों में डिफरेंस आपको समझ रहा है। NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NAC दैट इज नॉर्म्स ऑफ एग्रीडेशन कमेटी,
एंड यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज ये देख सकते हो NAIAMCC, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल कल्चर कल्चर कलेक्शन, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NARO, इसरो की तरह NERO, एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, NARS, एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, NASP की बात करें SF की एग्रीकल्चर साइंस फंड, NATP की बात करें नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, उसके बाद NBAGR दैट इज करनाल में है नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, NBFGR फिश जेनेटिक रिसोर्स, PGR प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये नई दिल्ली में है, फिश जेनेटिक रिसोर्स आई थिंक लखनऊ में रहेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल साइंस एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग ये आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये आपको याद रखना 2004 में बना था आई थिंक 2004 में फोर को, NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके बाद नेशनल कमेटी यूज ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है NCPA, देन आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें इतनी बड़ी नहीं आएगी NFDP ये आप देख सकते हो, बाकी आपकी एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में NIASM नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आपको सब लोगों को पता है हाइब्रिडाइजेशन गार्डन, एंड बायोटिक स्ट्रेस में NIBSM ये आ सकता है, इकोलॉजी कंटेक्स्ट में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, एक NMSC दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NPC नेशनल पूसा कलेक्शन, NRLMP नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये आ सकता है, NRM नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर NTC ये आ सकता है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफीड एरिया NWDPRA, देन PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये आ सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट इज PHET, अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के नाम से PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PME दैट इज प्रायोरिटी सेटिंग मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, PMKCY क्या है कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री, PMFFP दैट इज FME फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, PPVFR प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट ये आपको याद रखना है, PRECIS प्रोवाइडिंग रीजनल क्लाइमेट एंड इम्पैक्ट स्टडीज, क्वालिटी प्रोटीन में सभी लोग जानते हैं, रावे क्या है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, रावे दैट इज लास्ट में इसको प्रोग्राम हमने ऐड किया PC, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर कृषि योजना पूछ सकता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देन RMS रबी मार्केटिंग सिस्टम, देन सोइल ऑर्गेनिक कार्बन पूछ सकता है SOC, सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना है, देन सरफेस ड्रेनेज SSD, सीड स्पोर्ट सिस्टम SSS, SST सी सरफेस टेम्परेचर, STCR सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, ये पूछ सकता है UN कैप्सा जो UN के हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हाई प्रोबेबिलिटी इसकी, TMO टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑर्चर्ड एंड P लगा दिए तो पल्सेज का साथ भी, एंड TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, UNDP की बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाय की बात करें अनलीजिंग पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर फॉर एग्री एंटरप्रेन्योर या फिर एग्रीप्रेन्योर जिनको बोलते हैं, USAID यूनाइटेड स्टेट फॉर अमेरिकन डेवलपमेंट, USDA यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इसका डिपार्टमेंट जो है, वाटिका क्या है वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर, VNN क्या है वायरल नर्व जो नर्वस नेक्रोसिस, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट्स इट, हमने जितने भी एक्रोनिम थे सारे के सारे देख लिए हैं, यहां से आपको जो टिक करवाए वो आपको फॉर श्योर याद रखने, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब जितने भी आपके एग्रीकल्चर के ईयर्स हैं कौन कौन सी ईयर में चाहे वो एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट व्यू हो या फिर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की एक्सटेंशन की, इन तीन सब्जेक्ट की ईयर आपको याद होनी चाहिए, सो हम डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मेट में, आई थिंक ये वीडियो अराउंड 20 मिनट की बनी है, तो 20 मिनट की 3 से 4 वीडियो और आएंगी, सो उनको जरूर देखें, एंड 2 वीडियो आपकी सिर्फ ट्रिक्स के लिए आएंगी जो आपकी आप क्रोमोसोम नंबर याद कर सकते हो, ट्रेड नेम याद कर सकते हो, जितनी भी आपकी जो ब्रांड है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।